तो हेलो फ्रेंड्स, इस वाली वीडियो में मैं आप सभी को शो करने वाला हूं कि आप यहां पे हाइपर ओएस का कंट्रोल सेंटर कैसे इंस्टॉल कर सकते हैं, उसमें आपको क्या क्या चेंजेस मिलते हैं एज़ कंपेरिजन टू MIUI कंट्रोल सेंटर। सो यहां पे MIUI के लेटेस्ट चाइना बेटा रूम से एक न्यू कंट्रोल सेंटर रोलिंग आउट होना स्टार्ट हो चुका है। और ये वाला कंट्रोल सेंटर की खासियत बात यह है कि हम इस वाले कंट्रोल सेंटर को MIUI 14 एंड्रॉयड 12 में भी इजीली यूज़ कर सकते हैं, वो भी विदाउट एनी रूट। सो आपको इसमें आखिर क्या खासियत मिल जाती है इन कंपैरिजन टू MIUI 14 कंट्रोल सेंटर जो हमें स्टेबल अपडेट्स में देखने के लिए मिल रहा है, और ये वाला लेटेस्ट चाइना बेटा जो कि HyperOS बेटा का कंट्रोल सेंटर है। सो आप जब भी यहाँ से वाईफाई पे होल्ड करते हैं, आप जब भी यहाँ पे जियो 4G, आपको यहाँ से ब्राइटनेस, आपको यहाँ से वॉल्यूम पैनल, इन सब में ऑप्टिमाइजेशन हमारी फाइनली एडिड कर दी गई है विद न्यू एनिमेशन। सो आपका सबसे पहले यहाँ पे वॉल्यूम पैनल, अब जब आप यहाँ पे वॉल्यूम पैनल को अप डाउन करते हैं यानी कि वॉल्यूम डेप्थ पैनल को इंक्रीज और डिक्रीज करते हैं, सो अब आपका वॉल्यूम पैनल यहाँ पे टोटली स्मूथ हो चुका है। और आपके यहाँ से ब्राइटनेस पैनल ऑलरेडी स्मूथ था, लेकिन यहाँ पे वॉल्यूम पैनल में बहुत ही ज़्यादा लैग हमें MIUI के कंट्रोल सेंटर में देखने के लिए मिलता था, तो अब यहाँ पे HyperOS बेटा के कंट्रोल सेंटर में इसको सक्सेसफुली फिक्स कर दिया गया है। और जब भी आप यहाँ से वाईफाई पे होल्ड करते हैं, सो आपका कुछ इस तरीके से लेआउट ओपन हो जाता है, जो हमें सबसे पहले एक टॉगल के सबसे नीचे एक एरो का ऑप्शन देखने के लिए मिलता था, उसको भी यहाँ से रिमूव कर दिया गया है। और जब भी हम MIUI के कंट्रोल सेंटर में वाईफाई के टॉगल या फिर जियो 4G के टॉगल को होल्ड करते थे, सो हमारा सेटिंग्स एप्लीकेशन ऑटोमेटिकली यहाँ से ओपन हो जाता था, लेकिन इन्होंने यहाँ पे इस वाले अपडेट को यहाँ पे लेटेस्ट चाइना बीटा कंट्रोल सेंटर में से रिमूव कर दिया है। यानी कि अब हम सेटिंग्स को तो ओपन कंट्रोल सेंटर से ओपन कर ही नहीं सकते, और ये सबसे बड़ा हमें यहाँ पे डिसएडवांटेज भी देखने के लिए मिल जाता है, क्योंकि बहुत सारे यूजर सेटिंग्स एप्लीकेशन को सीधा कंट्रोल सेंटर से ही ओपन करना चाहते हैं। सो यहाँ पे आपके न्यू एनिमेशन और ये कुछ न्यू चेंजेस कंट्रोल सेंटर में एडेड हो चुके हैं, कंट्रोल सेंटर को इजीली इंस्टॉल कर सकते हैं। इसके रिगार्डिंग वीडियो क्रिएट कर चुका हूँ, वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, जा कर के चेकआउट कर लेना, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लेना, क्योंकि जब भी यहाँ पे HyperOS को लॉन्च किया जाएगा इसके रिगार्डिंग मैं पूरी इन्फॉर्मेशन के रिगार्डिंग वीडियो भी क्रिएट कर दूंगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ज्वाइन कर लीजिए टेलीग्राम चैनल फॉर मोर इन्फॉर्मेशन।